यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया और इस दौरान देश में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर भी रोष व्यक्त किया गया। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने पर चिंता व्यक्त की गई। हालांकि कुल्लू पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुतला फूंकने से रोकना चाहा, लेकिन वो पुतला फूंकने में कामयाब रहे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी तनातनी का माहौल रहा। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मनीष ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। देश में आज महिलाएं अकेले घूमने से डरती है और लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने में डरते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी 12 साल से कम बच्चियों पर दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का फरमान जारी किया है, लेकिन सरकार को दुष्कर्म को रोकने के प्रयास करने चाहिए।